हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो लकड़ी वाला स्विच बोर्ड होता है उसमें स्विच सॉकेट, फैन रेगुलेटर और होल्डर, इनकी वायरिंग कैसे करते हैं और इन्हें फिटिंग कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे, और ख़राब स्विच सॉकेट और फैन रेगुलेटर को चेंज कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, ये लकड़ी वाला स्विच बोर्ड है जिसमें कि हमें ख़राब स्विच और सॉकेट निकालना है और नए स्विच और सॉकेट लगाने हैं। तो इसमें यहाँ पर यह होल्डर की जगह है जहाँ हमें एक होल्डर लगाना है, और यह एक 5-पिन सॉकेट है जो कि ख़राब हो गया है, 5-पिन सॉकेट। तो इस सॉकेट की जगह हमें फैन रेगुलेटर लगाना है, इसमें हमें सॉकेट की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हमें यहाँ फैन रेगुलेटर लगाना है और यहाँ 5-पिन सॉकेट है, यह सॉकेट सही है, इसमें यह सॉकेट ख़राब नहीं है, तो इसे हमें चेंज नहीं करना है। और यह तीनों स्विच है जो कि हमें चेंज करना है, तीनों ही स्विच ख़राब है और यह एक जगह स्विच नहीं है, तो हमें यहाँ स्विच लगाना है। और यह 2-पिन सॉकेट की जगह भी हमें एक स्विच लगाना है, तो यह कैसे लगाना है वो देख लेते हैं हम। और पीछे से भी इस तरह का स्विच बोर्ड है, यह पीछे से भी देख लेते हैं हम। इसमें यहाँ पर दो होल्डर लगाने की जगह है, एक ये है और एक यहाँ जगह है। तो इसमें हम अभी एक ही होल्डर लगा रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमें दूसरा होल्डर भी इसी तरीके से लगाना है जिस तरह से हम यहाँ लगाएंगे। और इसमें यह सॉकेट ख़राब हो गया है जिसमें कि इसमें चीनी वाला जो पार्ट था वह निकल गया है, तो इसमें हमें यह सॉकेट निकाल के इसकी जगह फैन रेगुलेटर लगाना है। और यह सॉकेट जो कि सही है पूरा सॉकेट, इसमें अर्थिंग का टर्मिनल निकला हुआ है तो भी चल जाएगा, हमें इसमें ज़रूरत नहीं है अर्थिंग की। तो अर्थिंग का वायर हम इसमें कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वैसे भी हमें अर्थिंग की ज़रूरत इसमें नहीं है। और इसमें यहाँ एक स्विच रहेगा जो कि इस सॉकेट के लिए रहेगा, और यह एक स्विच और रहेगा यहाँ दूसरे नंबर का स्विच जो कि यहाँ 5-पिन सॉकेट की जगह हम जो रेगुलेटर लगाएंगे उसके लिए रहेगा। और यह 3 स्विच है जो कि 2 होल्डर के लिए रहेंगे और एक ट्यूबलाइट के लिए रहेगा। और इसमें लगाने के लिए यह होल्डर है जो कि हमें यहाँ लगाना है, और यह स्विच है जो कि इसमें पैक है पूरे, सभी इसमें स्विच है, तो हम इसमें स्विच निकाल के लगाने हमें चेंज करने हैं। और यह फैन रेगुलेटर है जो कि हमें इसमें लगाना है, तो हम इसमें यह 5-पिन सॉकेट निकाल लेते हैं पहले और इसकी जगह फैन रेगुलेटर लगा लेते हैं। 5-पिन सॉकेट के हम दोनों स्क्रू को खोल लेते हैं इस तरह से। ये दोनों स्क्रू है जो इसमें दोबारा काम में आ जाएंगे। और ये फैन रेगुलेटर है जिसे हम निकाल लेते हैं बॉक्स में से। और ये इस तरह का फैन रेगुलेटर है, ये 4 स्पीड का रेगुलेटर है ये, और इसके साथ में ये नट वाले स्क्रू आए हुए हैं दोनों ही जो हम यहाँ लगा सकते हैं। इसमें इस तरह से लगा देते हैं रेगुलेटर को। इस तरह से यह रेगुलेटर लग गया है, फैन रेगुलेटर। अब इन दोनों स्क्रू को लगा लेते हैं इसमें और टाइट कर देते हैं। क्योंकि इस तरह से लग गया है फैन रेगुलेटर, पीछे से भी देख सकते हैं दोनों वायर है ये इसके। और अब हम इसमें स्विच चेंज कर लेते हैं जो कि ये स्विच निकाल लेते हैं। ये निकल गया है स्विच, और इसकी जगह ये स्विच लगा लेते हैं जो कि इस टाइप का स्विच है ये। और इसके साथ में ये स्क्रू आए हुए हैं जो कि नट वाले स्क्रू है दोनों ही, तो हम इसमें ये स्क्रू नहीं लगाएंगे बल्कि ये स्क्रू लगाएंगे जो कि ये लग रहा है इसमें स्क्रू, तो ये स्क्रू नहीं लगाएंगे तब हमें ये स्क्रू लगाने होते हैं। तो अभी हम इसमें ये स्क्रू लगा लेते हैं। और ये दूसरा वाला स्विच भी लगा लेते हैं इनको खोल के। और इसकी जगह ये स्विच लगा लेते हैं।
दो स्विच हो गए चेंज, और अब हम तीनों स्विचों को भी खोल लेते हैं एक ही साथ में, और इनकी जगह तीन स्विच और लगा लेते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया स्विच बोर्ड। इसमें हमें यहाँ एक होल्डर और लगाना है, जो हम यहाँ वायर निकालने के बाद ही लगाएंगे होल्डर को। इसमें कि हम यहाँ दोनों वायर निकाल लेंगे होल्डर के होल से, उसके बाद होल्डर में कनेक्शन करके हम होल्डर को कनेक्ट कर देंगे दोनों स्क्रू से। और अब हम इस स्विच बोर्ड की वायरिंग कर लेते हैं। पुराना स्विच बोर्ड है जिससे कि इसमें यहाँ से टूट फूट हो गया है, और की प्लेट ही टूटी हुई है इसकी। स्विच बोर्ड तो सही है, पूरा कंप्लीट है स्विच बोर्ड, और थोड़ी यहाँ से प्लेट खुली हुई है इसकी। ये इस तरह से यदि प्लेट खुल जाती है तो उसे हम फेविकॉल से चिपका सकते हैं इसे। और इसमें जो स्विच है यह पुराने स्विच से थोड़े हल्के से छोटे हैं, साइज में चौड़ाई में छोटे हैं, जिससे कि इन स्विच के बीच में गैप आ गया हल्का हल्का सा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इस गैप से। तो चलिए हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो हम इसमें सभी स्विच के नीचे एक वायर कनेक्ट कर देते हैं, जो कि हमें फेज वायर कनेक्ट करना है। सभी स्विचों के नीचे वाले टर्मिनल से हमें फेज वायर कनेक्ट करना है, जो कि हम पहले हम फेज वायर के लिए सभी स्विचों के नीचे एक वायर कनेक्ट कर देते हैं नीचे वाले टर्मिनल से, जो कि ये 1 mm का वायर है जिसे हम कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह से वायर को इसमें घुमा के, और इसमें हम स्विचों के सभी नीचे वाले टर्मिनल को लूज कर लेते हैं। और अब हम इसमें इस तरह से वायर लगा लेते हैं। ये लग गया है कॉपर का वायर, ये 1 square mm का वायर है। इसमें पहले एल्यूमिनियम के वायर लगे हुए थे, जो हमने निकाल के कॉपर का वायर कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसमें सभी स्क्रू को टाइट कर देते हैं। और ये बचे हुए वायर को यहाँ से काट लेते हैं इस तरह से। ये हो गए कनेक्ट। और इसमें ये स्विच है जो कि सॉकेट के लिए है, तो इसमें हम इस स्विच के ऊपर वाला टर्मिनल से सॉकेट के जो कि लाइन साइड वाला टर्मिनल है एल साइड का, उसमें हमें स्विच से वायर कनेक्ट कर देना है, जिसे कि हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर। जो कि हम इसमें ये वायर कनेक्ट कर देते हैं। और एक वायर यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। ये हो गया कनेक्ट। और ये फैन का वायर है, जो कि हम दूसरा स्विच फैन से कनेक्ट करने वाले हैं। इसमें तो हम इसमें फैन रेगुलेटर का दो वायर में से एक वायर लेके इस स्विच से कनेक्ट कर देते हैं। एक वायर को स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। तरह से हो गया है कनेक्ट। और इसमें तीन स्विच और बच रहे हैं, जिसमें से हम इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से यहाँ पर लगने वाले होल्डर से कनेक्ट करने वाले हैं। और ये जो दो स्विच है इनका कनेक्शन हमें एक होल्डर से करना है और एक ट्यूबलाइट से करना है, जो कि हम दीवार पे लगाते हैं उसमें हमें कनेक्ट करना है। और होल्डर और ट्यूबलाइट में हमें न्यूट्रल का डायरेक्ट कनेक्ट करना है। तो हम इसमें पहले इस स्विच से होल्डर के लिए कनेक्शन कर लेते हैं। तरह से यहाँ से कनेक्ट हो गया है, और इस वायर को मैं इस होल से निकाल लेते हैं। और इसमें हम एक ये न्यूट्रल का वायर निकाल लेते हैं, जो कि यहाँ से तरह से निकाल लेते हैं। यह वायर जो है न्यूट्रल के लिए है, जो कि न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट होल्डर में देना है हमें मेन सप्लाई से कनेक्ट करके। और फेज का वायर जो है वो हमें स्विच से कनेक्ट करना है, और स्विच से होते हुए हमें होल्डर में देना है। और अब इसमें यह दो वायर है, जो कि यह ब्लैक वायर है, तो उसमें हम एक फेज के लिए यूज में लेते हैं और एक न्यूट्रल के लिए यूज में लेते हैं। तो इसमें हम
ब्लू वायर को फेज के लिए यूज़ में ले रहे हैं और ब्लैक वायर को न्यूट्रल के लिए यूज़ में ले रहे हैं। तो इसमें हमें जो फेज वायर है वह हमें सभी स्विचों के नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट करना है। तो हम ये फेज वायर सभी स्विचों के नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। इसमें से हम किसी भी एक स्विच के टर्मिनल को लूज करके उससे कनेक्ट कर देते हैं नीचे वाले टर्मिनल से, जिसमें कि हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया है। इसमें हम इसमें कि जो फेज का वायर है ब्लू वायर, जो कि सभी स्विचों के नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट हो गया है, और ये ब्लैक वायर है तो इसमें इंडिकेटर नहीं है, केवल 5 पिन सॉकेट ही है। तो हम इसमें 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। दोनों को आपस में कनेक्ट करके, दोनों को आपस में जॉइंट करके न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर देते हैं, जिसमें कि हम इन दोनों वायर को इस तरह से जॉइंट कर लेते हैं। जिसमें कि ये कनेक्ट हो गए हैं। इसमें से ये ब्लैक वायर है जो कि न्यूट्रल का वायर है, मेन सप्लाई से आने वाला, जो हमने यहाँ 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, और यहीं से जॉइंट करके एक होल्डर के लिए कनेक्ट कर दिया है वायर, जो हमें डायरेक्ट होल्डर में देना है। और एक ये फेज वायर है जो कि सभी स्विचों के नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, और जो हमारे उपकरण है उसमें हम फेज के ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। और इसमें हमने इस स्विच से 5 पिन सॉकेट को कनेक्ट कर दिया, और इस स्विच से फैन रेगुलेटर को कनेक्ट कर दिया है, और फैन रेगुलेटर से वायर को कनेक्ट कर देंगे। एक वायर से हमें या फैन के दो वायर में से एक वायर हमें फैन रेगुलेटर के वायर से कनेक्ट करना है, और एक वायर हमें न्यूट्रल का वायर कनेक्ट करना है, जो कि इस वायर में से हमें डायरेक्ट कट करके ज्वाइंट करना है। और यह स्विच हमने होल्डर से कनेक्ट कर दिया, और न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट न्यूट्रल से ज्वाइंट कर, और यह स्विच हमें होल्डर से कनेक्ट करना है, जो कि हम दीवार पर लगाने वाले हैं, या फिर ऐसे ही लटकाने वाला होल्डर लगा सकते हैं, जिसमें से एक वायर हमें इस स्विच से कनेक्ट करना है, और उस होल्डर में न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट हमारी मेन सप्लाई के न्यूट्रल से कनेक्ट करना है। और इससे हम ट्यूबलाइट लगाने वाले हैं, जिसमें कि स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से हमें ट्यूबलाइट का एक वायर कनेक्ट करना है, और ट्यूबलाइट का दूसरा वायर जो है हमें न्यूट्रल से कनेक्ट करना है, डायरेक्ट न्यूट्रल के वायर से कनेक्ट करना है। तो इसमें इस तरह से हमारी वायरिंग कम्प्लीट हो गई है, और अब हम इसमें होल्डर लगा लेते हैं, जो कि हमें यहाँ होल्डर लगाने हैं। और इस स्विच बोर्ड में दो होल्डर के ऑप्शन है, जो कि दोनों साइड में है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, जिसमें हम होल्डर यहाँ भी लगा सकते हैं, दीवार पर भी लगा सकते हैं, और वो लटकाने वाला होल्डर भी लगा सकते हैं। तो हम अभी इसमें एक ही होल्डर लगा रहे हैं, जो कि यहाँ लगाने वाले हैं, और एक होल्डर दीवार पे लगाने की ज़रूरत है तो वहाँ लगा लेंगे। तो इस तरह से हो गया स्विच बोर्ड, और अब हम यहाँ पर होल्डर लगा लेते हैं। तो दोस्तों, इस टाइप का ये होल्डर है, जिसमें कि दो टर्मिनल है, इसमें हम दोनों टर्मिनल में ये दोनों वायर कनेक्ट करने हैं, और ये जो दोनों ही होल है इसमें हमें दोनों स्क्रू से कनेक्ट करना है होल्डर को स्विच बोर्ड से। और इसमें यह एक्स्ट्रा वायर है जिसे हम काट लेते हैं, होल्डर के दोनों वायर निकाल लेते हैं। होल्डर के दोनों टर्मिनल के स्क्रू को लूज कर देते हैं। इसमें होल्डर में दोनों वायर कनेक्ट कर दिए इस तरह से, और होल्डर को हम स्विच बोर्ड से कनेक्ट कर देते हैं। स्विच बोर्ड में ये होल्डर कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा ये स्विच बोर्ड कंप्लीट हो गया है, इस तरह से देख सकते हैं, जिसमें कि ये 5 पिन सॉकेट है जिसका ये स्विच है, फैन रेगुलेटर है जिसके लिए दूसरे नंबर का स्विच है, और ये होल्डर है जिसके लिए तीसरे नंबर का बीच वाला स्विच है, और यह दो स्विच और है, इनमें हम एक होल्डर और एक ट्यूबलाइट और कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर दो ट्यूबलाइट कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर दो होल्डर कनेक्ट कर सकते हैं दोनों स्विच से, और या फिर हमें यहाँ और एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है तो हम यहाँ ये होल्डर हटा के इसकी जगह 2 पिन सॉकेट लगा सकते हैं, और उसके लिए यह स्विच लगा सकते हैं, इस स्विच से यह 2 पिन सॉकेट कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमें
लकड़ी वाले स्विच बोर्ड में या फिर मॉड्यूलर स्विच बोर्ड होता है उसमें हमें वायरिंग इसी तरीके से करनी होती है, जिसमें कि हमें फेज वायर सभी स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट करना है और स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से हमें हमारे घर के उपकरण के एक एक वायर को कनेक्ट करना है और सभी उपकरण में हमें न्यूट्रल के वायर को डायरेक्ट देना होता है, जैसे कि पाइप पिन सर्किट, फैन रेगुलेटर या फैन और होल्डर, ट्यूबलाइट, सीलिंग रोज, इस तरह के जो उपकरण होते हैं उनमें हमें स्विच से इसी तरीके से कनेक्ट करना होता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इससे रिलेटेड और भी कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ लेना।